रविशंकर शुक्ल मार्केट पावर हाउस में बिना नाम परिवर्तन किए तथा प्रशासन को लीजधारी द्वारा बिना जानकारी दिए बगैर गलत तरीके से लीज दुकानों की हो रही खरीदी बिक्री को लेकर कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शील ने सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि पावर हाउस में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में 1976 में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा व्यापारियों को लीज में दुकान आवंटित की गई थी, जिसे साडा बनने के उपरांत बीएसपी ने इन दुकानों को हैंडओवर किया था। कई दुकानदारों ने इसके उपरांत लीज की दुकानों को रजिस्ट्री करवाने का कार्य किया और कई दुकानदार अभी तक अपनी लीज की दुकानों को रजिस्ट्री करने में असमर्थ बने हुए हैं, परंतु कुछ दुकानों के व्यापारी जो वर्तमान में या तो जीवित नहीं हैं या फिर कहीं चले गए हैं, वर्तमान में कई दुकानों में कुछ सालों से बिक्री खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जबकि बेचने की कोई भी जानकारी लीजधारी के द्वारा लिखित रूप से ना तो साडा के समय दी गई थी और ना ही वर्तमान नगर निगम में दी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने कहा कि खरीदी करने के पश्चात निगम अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके लीजधारी अवैध निर्माण करके बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लीज होल्ड के तहत लीज की दुकानों को बेचना तथा प्रशासन को बिना जानकारी दिए बगैर दुकानों को बेचना, दूसरे के दुकान पर कब्जा करके बेचने के समान अपराध है। यहाँ की लीजधारी के अनुपस्थिति में यदि कोई दुकानें इस तरह की खरीदी बिक्री हो रही है तो वहाँ गैर कानूनी है। वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट, जो कि भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 पावर हाउस में बसा हुआ है, यह मार्केट सन 1975-76 में भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बसाया गया था, जिसे साडा के जाने के बाद, साडा आने के उपरांत इसे साडा में हैंडओवर किया गया और उसके उपरांत कई व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानें रजिस्ट्री का कार्य किया गया और कई दुकानदार ऐसे रहे जिनकी रजिस्ट्री होने से वंचित रह गए। परंतु कुछ सालों से वर्तमान में जो दुकानें बंद पड़ी हुई थी, जो दुकानें में दूसरे दुकानदार किराए में संचालित कर रहे थे, ऐसे दुकानदारों की खरीदी बिक्री हुई है और बिना लीजधारी के उपस्थिति में। ऐसे लीजधारी के संबंध में वर्तमान में जब इस संबंध में हम लोगों ने कुछ जानकारी मांगी तो नगर निगम प्रशासन से की गई है, तो उस संबंध में नगर निगम प्रशासन के द्वारा दाल मटोल जैसे जवाब उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ तक कि वर्तमान में जब जिन व्यापारी द्वारा, जो वर्तमान में नए व्यापारी है, उनके द्वारा 10 फीट की जो जमीनें हैं बरामदा के नाम पर, 10 फीट के जगह 12-13 फीट, यहाँ तक कि पानी निकासी की जगह को भी कब्जा करके निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है। और जब इस संबंध में निगम प्रशासन से जानकारी मांगी गई तो निगम प्रशासन के द्वारा साफ अक्षर में कहा जाता है कि उनके द्वारा जर्जर अवस्था में होने के कारण नया निर्माण किया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रथम तल का निर्माण हो रहा है, जबकि वही दुकानदार तृतीय तल का निर्माण कर रहे हैं और निगम के द्वारा कहीं ना कहीं टाल मटोल जवाब देते हुए गुमराह करने की षड्यंत्र दिख रहा है, जिसके संबंध में नगर निगम जोन आयुक्त, नगर निगम आयुक्त एवं भवन अनुज्ञा अधिकारी को इस संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया है और लिखित शिकायत देकर यह बताया गया है कि यहाँ जिस तरह का खरीदी बिक्री पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट में चल रहा है और ऐसी खरीदी बिक्री जहाँ पर कि लीजधारी के अनुपस्थिति में हुआ है, उन सभी दुकानों का आवंटन निरस्त किया जाए और इस पर सही जांच कर सभी लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए और यदि इस पर जल्द ही नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो वर्तमान में आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता के उपरांत जन आंदोलन करने के लिए कल्याण सेवा जनजागृति संगठन विवश रहेगी और उसके उपरांत भी अगर कोई न्याय नहीं मिलता है तो इसकी शिकायत और इसको लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज किया जाएगा। सुमन शील ने वर्तमान में जितनी भी दुकानों का लीजधारी की अनुपस्थिति में खरीदी बिक्री करने का कार्य हुआ है उस पर अंकुश लगाने की मांग निगम प्रशासन से की है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त सहित जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।